नमस्कार दोस्तों, चलिए स्वागत है आप लोग का इस पेडियाट्रिक्स के लेक्चर सीरीज में। हम लोग पीछे की क्लास में पेडियाट्रिक्स में बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट सीखे थे। आज हम लोग थोड़े से डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे और इस डिसऑर्डर में हम लोग दो टॉपिक सीखेंगे। एक है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सेचर और दूसरा टर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग सेचर। पहली चीज हम सीखेंगे कि ये शॉर्ट सेचर या लॉन्ग सेचर होता क्या है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हम लोग पीछे क्लास में बता रहे थे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बेबी है उसके एज और सेक्स के अकॉर्डिंग एक टाइम लिमिट होता है कि इस टाइम में इसका ग्रोथ इतना होगा। जैसे मैं अगर बेबी जो है अगर बर्थ होता है तो बर्थ के कंडीशन में वो अगर 50 सेंटीमीटर होता है तो उसकी हाइट जो होगी वो आपका धीरे 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 बढ़ना शुरू करेगा। वह जब 1 साल में होगा तो उसकी हाइट करीब 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर वही हाइट अगर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब 4 साढ़े 4 साल में होता है तो वो 100 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड हाइट होती है। ठीक है, ये नॉर्मल ग्रोथ का एक सिंबल होता है कि हाँ इस ईयर में बेबी जो है इतना साल का हो जाए। ठीक है, या हेड की बात करें तो हेड जो होता है जब बच्चा बर्थ में जब जन्म लेता है तो उसी स्थिति में उसका हेड जो होता है वह 60 से 65% एट द एडल्ट साइज के बराबर हो जाता है। वहीं जब 1 साल के करीब आता है तो सॉरी 2 साल के करीब आता है तो वह 100% जो है करीब 90 से 95% उसका ब्रेन डेवलप कर गया रहता है, मतलब ब्रेन की साइज डेवलप कर गई रहती है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू है। और नॉर्मल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा, तो उसको हमने कहा कि दो तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है परसेंटाइल मेथड और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक तरफ से हाइट और एक तरफ एज को या क्या करते उसको हम प्लॉट करते हैं और प्लॉट करने के बाद देखते हैं कि जो टाइम के साथ इसकी जो ग्रोथ हो रही है क्या हुआ दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। मतलब कि अगर परसेंटाइल की बात करेंगे तो क्या वो 50 परसेंटाइल पे पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो ग्रोथ रेट होती है वो 50 परसेंटाइल होती है। और वही अगर वह स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर बात करते हैं तो वो 0 स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, उसमें किसी तरह से कोई ना बढ़ोतरी होनी चाहिए ना कटौतरी, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर उस बेबी का ग्रोथ जो है वो दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग अगर नहीं हो रहा है, मतलब कि जो बेबी है वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास मिल रहा है वो उससे या तो ज्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेचर। जो स्टेचर हम लोग पढ़ते हैं ध्यान रखेंगे, जो सेचर स्टेचर सेचर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके प्रोनाउंस कैसे करते हैं। जिस भाषा में आपको समझ में आए उस भाषा में आप याद रखेंगे, बस आपको स्पेलिंग याद रखना है SATURE। ठीक है, उस स्थिति में तो ये लॉन्ग सेचर और शॉर्ट सेचर का कंसेप्ट क्या होता है और वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे काम करता है, अब हमें उसी के बारे में एक एक करके जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखेंगे दो टर्म है, एक है जिसको हम लोग कहते हैं टॉल सेचर, एक है जिसको हम लोग करते हैं टॉल सेचर और दूसरा है जो हम लोग कहेंगे शॉर्ट सेचर। ठीक है, तो टॉल सेचर और शॉर्ट सेचर के बारे में अब हम क्या करेंगे, पहले हम टॉल सेचर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि टॉल सेचर एक छोटा टॉपिक है। तो टॉल सेचर पढ़ लेते हैं और शॉर्ट सेचर उसके बाद पढ़ते हैं। टॉल सेचर पे क्योंकि हम केवल से यहाँ पे कंसेप्ट जानेंगे कि टॉल सेचर होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, क्योंकि इसके जो डिटेल सीखना है हम जब आगे पढ़ेंगे सिंड्रोम के बारे में या शॉर्ट डिफेक्ट के बारे में तो वहां इसके बारे में पूरा विस्तृत चर्चा है। ठीक है, तो सिर्फ ये बेसिक के लिए रहेगा ताकि आपको उस समय जब हम आपको याद दिलाएंगे कि वंस अपॉन टाइम लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द बेसिक कंसेप्ट यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां आपको याद दिलाएंगे हम। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि टॉल सेचर क्या होता है तो याद रखेंगे जो ग्रोथ है बेबी का। ठीक है, अगर वो ग्रोथ जो है मतलब कि ग्रोथ जो हो रही है खास करके इसमें हाइट की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि लंबाई लॉन्ग और शॉर्ट की बात हो रही है तो वो हाइट को ही लेकर ज्यादा चर्चा करते हैं हम लोग। ऐसा तो होगा नहीं कि एज जो है वो 5 5 सेंटीमीटर है, साधारण तौर पर ऐसा नहीं होता है कि हम एज को कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर एज है इसका और इसकी जो सेक्स है वो मेल मेल जो है वो 8 8 मेल है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो साधारण तौर पर ऐसा कभी नहीं होगा, तो हम हाइट की बात करेंगे और यहां हम जानेंगे कि अगर इसकी जो हाइट है ध्यान रखेंगे इसकी जो हाइट है वो हाइट अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर ज्यादा है। ठीक है, हाइट जो है अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा है या टी शॉर्ट से क्या है वो ज्यादा हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं टॉल सेचर। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन जो होता है अगर बेबी की जो हाइट है वह मोर देन ध्यान रखेंगे
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मोर देन टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी किसमें होनी चाहिए? पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। ध्यान रखेंगे, हम जब ग्राफ सीखे थे अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि ये इसका बेबी का, सॉरी, ये बेबी का अगर अगर ये जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसके नीचे आएंगे तो निगेटिव होगा, ठीक है, और उस सॉरी ये निगेटिव होगा नॉट पॉजिटिव, और ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो टॉल सीचर होते हैं उनके स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, तो मोर देन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो मोर देन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन या टी एस स्कोर, क्या बोलते हैं, या टी एस स्कोर आपको याद होगा, इसी को हम लोग टी स्कोर या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड स्कोर भी कहते हैं। तो हम लोग कई किताबों में टी स्कोर दिया गया है, कहीं पर इसको जेड स्कोर दिया हुआ है। तो आप याद रखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मोर देन टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट किसके एस्पेक्ट में, तो याद रखेंगे इन एस्पेक्टेड टू एज और सेक्स। ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या याद रखना है, एज एंड टू एस्पेक्टेड टी स्कोर ऑफ एस्पेक्टेड एज एंड सेक्स, ठीक है। तो एस्पेक्टेड एज एंड सेक्स के बेसिस पर अगर टू स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं टॉल सेचर, ठीक है। अब तो टॉल सेचर जो कॉज होते हैं, अब अगर पूछा जाए कॉज ऑफ टॉल सेचर, तो कॉज क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो कॉज होता है उसको हम लोग कहते हैं फैमिलियल। पहला कॉज होता है फैमिलियल, या इसी को हम लोग, या दूसरा जो होता है फैमिलियल होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। बाकी हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट सेचर जो होते हैं वो दो भाग में बढ़ते हैं, एक फैमिलियल एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल किसे कहते हैं हम आपको उसमें बताएंगे कि फैमिलियल जिसमें होता है कि जिसमें मम्मी पापा की ऑलरेडी हाइट जो है वो छोटी है, तो उस स्थिति में बेबी का भी हाइट जो होगा वो छोटा होगा, तो वो अनएक्सपेक्ट वो नॉर्मल में होता है, उसमें वो ज्यादा ज्यादा नुकसान नहीं होता। हम आपको अगर आगे शॉर्ट सेचर जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मल मम्मी पापा की जो हाइट होती है वो ठीक ठाक हाइट होती है, लेकिन बेबी का जो डेवलपमेंट एज होता है, स्टार्टिंग एज होता है जो एक्सपेक्टेड एज से कम होता है, पर जब बेबी 18 साल की जब नॉर्मल जब एडल्ट एज में आता है, वह जब एडोलेसेंस एज में आता है, ठीक है, तो जब उसको 18 से 18 17 18 साल का जब बेबी होता है तो वो नॉर्मल ग्रोथ कर लेता है, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। आगे हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बताएंगे। तो ये क्या कहते हैं, अगर वह आपका फैमिलियल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है, तो वो दोनों तरह का होता है, या तो वो फैमिलियल हो या कंस्टिट्यूशनल हो, दो तरह के होंगे। या इसमें जो होते हैं आपका एक्सोजिनस ओबेसिटी होती है, मतलब कि बेबी जो है वो बर्थ होने के बाद अगर काफी ज्यादा वेटेड हो जाता है, तो ऐसे जन्म हम लोग कहते हैं एक्सोजिनस, एक्सोजिनस ओबेसिटी, एबीएम इसका कॉज होता है, ठीक है। या इसका जो नेक्स्ट कॉज होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि हार्मोनल इफेक्ट हो गया, जैसे ग्रोथ हार्मोन का, अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस डेवलपमेंट हो गया, या क्या कहते हैं प्रीवियस प्यूबर्टी आ गया। प्रीवियस प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, कम एज में ही वो क्या होना, उसको प्यूबर्टी आ जाना, तो इसे इसके भी जो होते हैं मेन कॉज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कह सकते हो कि जीएच एक्सेस ग्रोथ हार्मोन का जो होता है वह ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाना, ठीक है, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसियस प्यूबर्टी, ठीक है, इसी को हम लोग दोनों मिलाकर कॉमन टर्म अगर हम लोग बोले तो कहते हैं इंडोक्राइन कॉजेज, इंडोक्राइन कॉजेज, ठीक है। अब ये हमारे पास तीन कॉजेज हो गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉज में आता है, उसे हम लोग कहते हैं आपका सिंड्रोमिक कॉज। अब देखो ये सिंड्रोम का जो कॉज है, कौन कौन से इसमें सिंड्रोम पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखेंगे इसमें जो है वह आपका सिंड्रोम भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे में फ्रेजाइल सिंड्रोम हो गया, फ्रेजाइल सिंड्रोम, ठीक है। फ्रेजाइल सिंड्रोम में क्या होता है, जो आपका क्या कहते हैं इंटरेक्चुअल, जो एक नहीं इसको हम कहते हैं इंटरेक्चुअल डिफिशियंसी, आईडी जिसको हम लोग कहते हैं,
आईडी नॉट आइडेंटी कार्ड, ठीक है, इसमें आइडेंटिफिकेशन कार्ड हम लोग नहीं जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे मैं बेबी का जो है आपका क्या कहते हैं आंख की साइज बड़ा हो जाना, या हाथ की साइज बड़ा हो जाना, या आपका क्या कहते हैं टेस्टिस की साइज बड़ा हो जाना, ये जो होता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है। ठीक है, तो 12 सेचर में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट कॉज होता है। कभी कभी देखते हैं कि उस किसी बेबी का फिंगर जो है बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके कान की साइज जो होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, आई जो होते हैं वो बड़े बड़े एकदम बॉल की तरह दिखाई देता, लगता है कि आंख जो है बाहर आ जाएंगे, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, या टेस्टिस की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, किसी की एक टेस्टिस बड़ी हो जाती है, किसी की दूसरी टेस्टिस छोटी हो जाती है, ये जो आपको मिलता है ना वो वो सारे जो होते हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैं अब इसके बाद एक और आपका जो है एक और सिंड्रोम है फ्रेजाइल सिंड्रोम के बाद जो दूसरा सिंड्रोम होता है उसको हम लोग कहते हैं मार्फन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? मार्फन सिंड्रोम। ये आप बहुत बार नाम सुने होंगे मार्फन सिंड्रोम का। ठीक है, मार्फन सिंड्रोम है, इसमें खास करके उसके स्केल्टन बॉडी के स्केल्टन में चेंजिंग आ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं यही होता है स्केल्टन या ऑकुलर चेंज होता है, ऑकुलर प्रेशर में चेंजिंग होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केल्टन एंड ऑकुलर चेंज हो जाता है इसमें, स्केल्टन एंड ऑकुलर चेंज। ठीक है, या आपका जो होता है एक टर्म और इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसमें क्रोमोजोम की जो होते हैं वो नंबर क्या करते हैं इंक्रीज कर जाते हैं, यानी कि इसमें जो होता है वो आपका क्या होता है 47, इसमें क्रोमोजोम एक्स एक्स वाई, एक क्रोमोजोम एक्स जो होती है उसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है मेन मुख्य रूप से सिंड्रोम इसमें पाए जाते हैं। आपके एक और सिंड्रोम उसको हम लोग कहते हैं सोडो सिंड्रोम। ठीक है, एक सिंड्रोम और है जिसको हम लोग कहते हैं सोटो सिंड्रोम। जब हम आपको सिंड्रोमल डिफेक्ट पढ़ाएंगे वहां इसको हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे जो खास करके आपका जो गैंगेटिज्म, इसमें जो खास करके हम लोग पढ़ते हैं गैंगेटिज्म, सेंट्रल गैंगेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तो सोटल सिंड्रोम के बारे में हम जहां सिंड्रोमल डिफेक्ट पढ़ाएंगे बेबी के वहां आपको इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है, अगर लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें सेंट्रल गैंगेटिज्म काम करता है, सेंट्रल गैंगेटिज्म, बस आपको इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, एक होता है वेबर सिंड्रोम, वेबर सिंड्रोम। ठीक है, वेबर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें भी आपको क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनके भी जो होता है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसमें शो करता है, खास करके इसमें डिसमेनोरिया के कंसेप्ट इसमें काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसमें डिसमेनोरिया साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा इसमें आता है, तो डिसमेनोरिया इसमें ज्यादा आते हैं। ठीक है, और एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बैक्ट्रिथ उडन सिंड्रोम। बैक्ट्रिथ उडन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें बेबी का जो एक साइड जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा छोटा होता है, जैसे मान लीजिए कि उसके एक साइड में एक हाथ बड़ा हो जाना, एक पैर बड़ा हो जाना, या एक तरफ अगर उसका इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन एक पार्ट बड़ा हो जाना, मतलब कि एक किसी एक पार्टिकुलर पार्ट का ऑर्गेन की साइज में जो होती है वह बढ़ना या घटना हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बैकृत क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग बैकृत विडन सिंड्रोम। ठीक है, और तो ये इसके जो हमारे पास है बेसिस कंसेप्ट होते हैं, एक इसमें आपका क्या कहते हैं होमो, कई बार हम देखे हैं कि इस टॉल सेचर में होमोसिड्रियम भी कुछ कई बार पूछा गया है इसमें, तो नेक्स्ट आप लिख भी लीजिए होमो सिस्टोनोरिया भी जो होता है वह टॉसेचर का एक एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें कई बार क्वेश्चंस ये भी देखे गए हैं, ये तो सारे टॉसेचर हैं। ठीक है, टॉसेचर में क्या होता है कि कुछ इसमें से कुछ ऐसे भी सिंड्रोम है जो जो अगर वह प्यूबर्टी में होता है तो वो इफेक्ट शो करता है। ठीक है, लेकिन जब वो एडल्ट एज में आता है बेबी तो वो नॉर्मल हो जाता है।
जैसे मान लीजिए कि आपका क्या कहता है बैकिंथ विडन सिंड्रोम में है, उसका एक मान लीजिए राइट साइड का फिंगर जो है बड़े बड़े, या हाथ उसका बड़ा है, लेकिन जैसे ही एडल्ट साइड में आता है तो उसके जो क्या कहते हैं साइज जो है वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें खास करके विडन सिंड्रोम में नहीं होता है कि, मैंने एक एग्जाम्पल दे, ऐसा नहीं क्या क्या कहते हैं इस बेनिथ विडन सिंड्रोम में होता है, ऐसा नहीं होता है। उसका अगर एक हाथ बड़ा हो गया तो वो पूरे लाइफ बड़ा ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखेंगे इसमें से कुछ डिजीज होते हैं, जैसे कुछ इसमें से इफेक्ट है कि जो कि स्टार्टिंग कंडीशन में यानी कि चाइल्ड हुड कंडीशन में तो रहता है, लेकिन जब वो एडल्ट कंडीशन में आता है तो वह नॉर्मल हो जाता है। ध्यान रखेंगे पॉल सेचर के कुछ सिचुएशन, इसमें कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो चाइल्ड हुड कंडीशन में रहता है लेकिन एडल्ट कंडीशन में नॉर्मल हो जाता है। तो आप इस चीज को क्या लिखेंगे कि टॉल सेचर ड्यूरिंग, टॉल सेचर ड्यूरिंग चाइल्डहुड बट नॉर्मल, बट बट नॉर्मल इन एडल्ट हाइट, बट नॉर्मल इन एडल्ट हाइट। एडल्ट हाइट में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में यानी एडल्ट में आते आते उसकी नॉर्मल हो जाती है, हाइट जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आप इसको एग्जाम्पल को देख लीजिए एक बार। एग्जाम्पल में आपका जो होता है वह कॉन्स्टिट्यूशनल हाइट, हमने अभी कहा कॉन्स्टिट्यूशनल हाइट में क्या होता है कि बेबी की साइज जो होती है शुरू में जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन धीरे 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 जब वह बच्चे बेबी 17-18 साल का होता है तो नॉर्मल ग्रोथ कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वह है आपका कंस्टिट्यूशनल टॉल सीचर, दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए एक्सोजीनस ओबेसिटी, और तीसरा है प्रेसियस प्यूबर्टी, और चौथा है वह है आपका शोटस सिंड्रोम। ठीक है, तो ये चार आपके मेन इंपॉर्टेंट है जो कि टॉल सेचर शो करते हैं, लेकिन जब वो प्यूबर्टी के एज में प्यूबर्टी जब बनते हैं एडल्ट एज में आता है बेबी, तो उस स्थिति में ये सारे डिफेक्ट उसके जो होते हैं वह खत्म हो गए। ठीक है, तो सेंट्रल गैंगेटिज्म जो होता है वह टॉल मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में आते आते क्या होता है उसके वो नॉर्मल हो जाएगा सेंट्रल गैंगेटिज्म। उसके बाद जो आपका इसका कहते हैं प्रोसेस प्यूबर्टी है, बेबी जो है जल्दी प्यूबर्टी गेन कर लेता है, मतलब वो जल्दी आता है प्यूबर्टी गेन कर लेता है, लेकिन वह जब एक समय आता है तो वह नॉर्मल हो जाता है, एडल्ट एज में आने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, या एक्सोजिनस ओबेसिटी हो गया, काफी ज्यादा बेबी मोटा तगड़ा रहता है, जब नॉर्मल कंडीशन में आता है तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, या आपका क्या कहते हैं बेबी की हाइट जो है वो चाइल्डहुड में जो है वो काफी मतलब कि काफी तेजी से ग्रोथ करता है, या जब नॉर्मल कंडीशन में आता है तो वह ठीक हो जाता है, तो वो जो है एडल्ट कंडीशन में आने के बाद ठीक हो जाता है। तो ये टॉल सेचर का है, कुछ बेहतरीन मतलब बेहतरीन तो तरीके से आप इसको हम कोशिश किए बताने का। तो टॉल सेचर में आपको याद क्या रखना है कि टॉल सेचर होता क्या है कि जिसमें हाइट जो होती है वह जेड स्क्वायर या टू स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या होती है +2, ध्यान रखेंगे +2, इस बात को याद रखिएगा T2। ठीक है, आपको याद रखना है T2। ठीक है, तो T4T और T4 2, ठीक है T+2 स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि शॉर्ट सेचर जो होता है वो +3 में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो टॉल सेचर जो होगा आपका ध्यान रखेंगे, या आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से याद रखना है तो T2 याद रखिए, 2 जो है बड़ा है तो T इसमें बड़ा होता है लेकिन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा होता है, शॉर्ट सेचर में +2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होता है। तो वहां पर हम लोग अलग चीज है, वहां नेगेटिव सीखते हैं, यहाँ पॉजिटिव सीखते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव में टी है, ध्यान रखेंगे टी है और +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर इसको आप काट देंगे तो वो प्लस बन जाएगा, और क्या है यहाँ पर ये इससे ज्यादा है। ठीक है, तो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा होता है और ये टॉल सेचर होता है, या इसको अगर आप इसी को लिखना हो तो आप थर्ड परसेंटाइल इसको लिख सकते हैं कि ये थर्ड परसेंटाइल से क्या होता है ज्यादा होता है, तो थर्ड परसेंटाइल लिखो या +2, तो या सॉरी यहाँ +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो यहाँ पर परसेंटाइल जब जाएगा तो वो 90% हो जाता है, क्योंकि 50 से ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे आप इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और शॉर्ट सेचर की जब बात आएगी तो वहां पर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान रखेंगे वहां -2 होता है, यहाँ +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। दूसरी चीज, यहाँ पर
जो शॉर्ट सर्चर सीखते हैं हम लोग वहां पर 3 परसेंटाइल सीखते हैं। अभी हम आगे की टॉपिक हमारा उसी पर है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अब हम लोग जो सीखना शुरू करेंगे वह है आपका शॉर्ट सेचर। देखिए इसी शॉर्ट सेचर पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉल सेचर पे तो हम एक दो ही क्वेश्चन देखे हैं अभी तक जितना हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। शॉर्ट सेचर पे क्वेश्चंस मैंने बहुत देखा है, ठीक है। तो शॉर्ट सेचर में पहली चीज की शॉर्ट सेचर होता क्या है तो याद रखेंगे शॉर्ट सेचर क्या होता है कि जो चाइल्ड की हाइट है वह कितना -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से, ध्यान रखेंगे -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होता है, ठीक है। और या थर्ड परसेंटाइल से क्या होती है कम होती है। तो क्या लिखेंगे हाइट ऑफ चाइल्ड इज लेस देन कितना थर्ड परसेंटाइल या -2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू एसी, मतलब अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स ऑफ द बेबी। बेबी के क्या एज और सेक्स के बेसिस पर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन या थर्ड परसेंटाइल से कम, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्राफ है, इधर की तरफ हम बेबी का एज ले लेते हैं और इधर की तरफ बेबी की हम हाइट ले, ठीक है, एक तरफ एज एक तरफ हम हाइट ले, ठीक। अगर सपोज करिए कि हमारे पास ये जो है आपका ये आपका 50th परसेंटाइल है, ये आपका 19th परसेंटाइल है, 90, ठीक है, और ये आपका थर्ड परसेंटाइल, ठीक। सपोज करिए कि एक बेबी है पर यहां पे इसका हम हाइट एज ले लेते हैं, ये 1 साल का बेबी है, ये 2 साल का है, ये 3 साल का है, ये मान लीजिए ये 4 साल का है। सपोज करिए कि बेबी जो है वो 3.5 साल का बेबी है या 4 साल का बेबी है और उसकी हाइट जो है करीब करीब 80-85 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो बेबी 3.5 साल का है और उसकी जो इधर की तरफ आप एक काम कर ये ले लीजिए आप, ये आपका 50 है, इधर ले लीजिए आपका 100 है, इधर ले लीजिए आपका 150। सपोज करिए कि बेबी जो है वो 3 साल का है, ठीक है, या 3.5 साल का है और उसकी जो हाइट है, क्योंकि 4 साल पर हाइट जो होता है बच्चे का जो हाइट होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 4-4.5 साल में हाइट जो होती है वो 100 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए कि आपका थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं और उसको हम 100 सेंटीमीटर पर ही ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आराम रहे। की तरफ अगर एक एक साल इधर हम एक कर दे, 1, 2, 3 यहां ले लेते हैं 4, ये क्या है आपका एज है, वो दिख रहा है ना, ठीक है, ठीक है। सपोज करो ये 4-4.5 साल का बेबी, आपको पता है 4-4.5 साल का बेबी जो होता है वो 100 सेंटीमीटर की हाइट गेन कर लिया, ठीक है। लेकिन बच्चा जो है 4.5 या 4 साल पे बच्चा की जो हाइट है वह आपका मान लीजिए कि 85 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये बच्चा जो है 50th परसेंटाइल पे होता, अगर यहाँ पे होता बच्चा 50th परसेंटाइल पे होता, 100 सेंटीमीटर पे होता अगर 4-4.5 साल की उम्र में, तो नॉर्मल हाइट होती है। लेकिन बेबी जो है यहाँ पे है आपका 85, मान लीजिए कि 85 सेंटीमीटर की पर है, कब, जब ये बेबी जो है वो 4-4.5 साल का, मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारे पास मिला, अब ये क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं 8 सेंटीमीटर ऊपर और 8 सेंटीमीटर नीचे हम लोग जो डाटा मानते हैं, एवरेज डाटा लेते हैं, 8 सेंटीमीटर ऊपर 8 सेंटीमीटर हम लोग नीचे मान के और उससे हम क्या करते हैं ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि ये जो है नीचे, ये पूरा एरिया जो है वो थर्ड परसेंटाइल के नीचे है, तो ये जो बेबी है यहां पे है, मतलब कि हमारे पास
नॉर्मल उसकी हाइट जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर। 4 से 4.5 साल की उम्र में बेबी की हाइट जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। किंतु लेकिन परंतु बेबी की जो हाइट है वो 100 से कम है, यानी 85 है, 80 है, 87 है, जो भी है 100 से कम है, तो इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट स्टेचर। जब इसके हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ क्या मिल गया, यहां पे जो ग्राफ मिला वो कहां मिला, थर्ड परसेंटाइल से नीचे। तो थर्ड परसेंटाइल से नीचे हो, या इसी को अगर हम दूसरी भाषा में दिखाएंगे तो यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं 0 और यहां लिखते हैं हम लोग -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऊपर लिखते हैं +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो या तो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से या प्लस क्या कहते हैं थर्ड परसेंटाइल से नीचे होता है। ठीक है, ये शॉर्ट स्टेचर का बेसिक कंसेप्ट होता है। अब देखो इसका हम आपको आगे चलकर ग्राफिकल भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि कैसे ये काम करता है। अब ये काम कैसे करता है याद रखेंगे, इसके तरीके जो होते हैं अगर इसको हम क्लासिफाई करेंगे तो ये दो भाग में जनरली क्लासिफाई होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम क्लासिफिकेशन देखें, तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो ये दो भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, एक जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनेट रेशियो, यानी कि प्रोपोर्शनेट शॉर्ट क्या कहते हैं प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट, और एक होता है हम लोग कहते हैं डिस प्रोपोर्शनेट, यानी कि एक प्रोपोर्शन में काम करता है और एक डिस प्रोपोर्शन में काम करता है। ठीक है, तो डिस प्रोपोर्शन में क्या होता है और एक प्रोपोर्शन में क्या होता है, तो याद रखेंगे कि प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर और डिस्प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर, ये इसमें क्या होता है, हमने कहा था कि जब भी बेबी की हाइट मेजर करते हैं तो हम लोग दो सेक्टर लेते हैं, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। ठीक है, तो अपर सेगमेंट जो होता है वो सिंफाइसिस बेबी से ऊपर लेते हैं और लोअर सेगमेंट जो होता है वो सिंफाइसिस बेबी से नीचे लेते हैं। तो अगर जो अपर सेगमेंट है, तो अगर अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट दोनों प्रोपोर्शन रेशियो में कम हो रहा है, अगर मान लीजिए कि अपर सेगमेंट 50 सेंटीमीटर का है तो लोअर भी 50 सेंटीमीटर का है, यानी 100 सेंटीमीटर का टोटल हाइट हो गया। ठीक है, या ऊपर अपर जो है 40 सेंटीमीटर का है तो लोअर भी 40 सेंटीमीटर का हुआ, तो ये भी इसे कहते हैं हम लोग प्रोपोर्शनेट, मतलब कि बराबर रेशियो में जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो इससे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। मतलब कि इसकी जो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की जो रेशियो होती है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की जो रेशियो होती है याद रखेंगे वो बराबर होती है, 40 मानी वन रेशियो हमेशा 1:1 होगा, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की रेशियो हमेशा जो होता है वह 1:1 होता है, मतलब जितना हाइट अपर हाइट होगा उतना ही जो होगा वह लोअर हाइट होगा। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट में ऐसा नहीं होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट में या तो अपर ज्यादा हो जाएगा लोअर कम हो गया, या लोअर ज्यादा हो जाएगा अपर कम हो जाएगा, इससे हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट में बेसिक कंसेप्ट उसकी किसकी होती है, हाइट के बेसिस पर की जाती है। अभी हाइट किसका, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट की, अपर सेगमेंट की मेजर कहां से की जाती है, सिंफाइसिस बेबी से की जाती है। ठीक है, तो सिंफाइसिस बेबी से ऊपर अगर बराबर हाइट और नीचे भी बराबर हाइट है तो उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट स्टेचर, यानी कि रेशियो हमेशा 1:1 होगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है उसकी रेशियो जो होती है वो कभी 1:1 नहीं होती है। ठीक है, या तो अपर जब ज्यादा हो जाएगा तो 1 से कम हो जाएगा, और लोअर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से सॉरी अपर जो होगा वो 1 से ज्यादा, मतलब कि ज्यादा हुआ तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी या आप 1 से ज्यादा ही आएगा, और लोअर अगर कम हो गया तो वैल्यू क्या होती है, 1 से नीचे आ जाती है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि क्या होता है कि जब लोअर सेगमेंट की रेशियो ज्यादा हो या अपर सेगमेंट की रेशियो मैंने की वैल्यू जो हाइट है वो ज्यादा हो तो क्या होता है, आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत कि प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट में क्या अंतर है। ठीक है, अब चलो प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट जो होता है इसके कारण क्या होते हैं, क्या क्या कॉज होते हैं प्रोपोर्शनेट शॉर्ट सेचर का, और क्या क्या कॉज होते हैं डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट सेचर का। ठीक है, तो फिर डालते हैं कि इंपोर्ट कॉज क्या क्या होते हैं, तो आपको कॉज देखिए। ठीक है, इसके जो कॉज होते हैं वो तीन कॉजेज होते हैं। ठीक है, आप इसको याद करने का तरीका अगर आपको याद करना हो तो इसमें एक जो होता है नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल होता है, एक इंट्रा इंट्राइन होता है, और एक होता है पोस्टनेटल। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टनेटल, या इसी को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड कॉजेज, एक्वायर्ड कॉजेज पोस्टनेटल या एक्वायर्ड कॉजेज। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉज, इंट्रा यूट्राइन कॉज। और तीसरा जो है आपका होता है वह है आपका नॉर्मल वेरिएंट,
ठीक है। तो तीन कॉजेज हो गए, नॉर्मल वेरिएंट, ठीक है, इंट्रायूटराइन कॉज या पोस्ट पोस्ट है आपका क्या कहते हैं नेटल या एक्वायर्ड कॉजेज। तो तीन तरह के कॉज हमें सीखना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में धीरे धीरे एक एक करके जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे पोज दूसरे तरफ चलते हैं। अब देखिए जो हमारे पास जो वेरिएंट होते हैं, नॉर्मल वेरिएंट या आपका जो इंट्रायूटराइन कॉज है, उसके कारण क्या है, अब सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नॉर्मल कॉजेज के बारे में, यानी नॉर्मल वेरिएंट। नॉर्मल वेरिएंट्स के बारे में, ठीक है। अब ये नॉर्मल वेरिएंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फैमिलियल, ठीक है, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं CDGP। एक होता है नॉर्मल, ठीक है, तो एक होता है नॉर्मल और एक होता है आपका सॉरी नॉर्मल में दो तरह के होते हैं, एक होता है फैमिलियल शॉर्ट सीचर और एक होता है CDGP, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ एंड प्यूबर्टी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे आपको दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों होते क्या है, अब इसको हमको समझना है कि दोनों क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि फैमिलियल क्या होता है। एक काम करते हैं, हम दोनों को कॉम्परेटिव स्टडी कर लेते हैं ताकि आसान होगा इसको समझना। तो अगर हम आपसे पूछें कि नॉर्मल क्या होता है, कि फैमिलियल यानी कि नॉर्मल में फैमिलियल शॉर्ट सेचर और CDGP है, वो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम इसको सीखते हैं। तो अगर हम पहली बात, अगर हम फैमिलियल शॉर्ट सेचर के बारे में जाने, तो कहते हैं कि जो चाइल्ड की हाइट होती है वो क्या होती है, थर्ड परसेंटाइल से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्या होगा कि जो चाइल्ड जो हाइट होता है, यानी कि हाइट चाइल्ड्स हाइट इज क्या थर्ड परसेंटाइल ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, बट नॉर्मल एज पर हिज टारगेट हाइट। अब ये क्या बात आ गई, टारगेट हाइट से जो होती है वो नॉर्मल होती है। उन्होंने कहा कि थर्ड परसेंटाइल तो चलो डिफेक्ट कर रहा है यहां पे, लेकिन जो चाइल्ड हाइट है वो थर्ड परसेंटाइल से कम है, लेकिन यहां पे आपका जो टारगेट हाइट है उसके बराबर होता है। अभी क्वेश्चन आता है कि ये टारगेट हाइट किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे हम टारगेट हाइट जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड पेरेंटल हाइट से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मिड पेरेंटल हाइट मतलब कि हम चेक करते हैं कि मम्मी पापा की, क्योंकि बच्चे की हाइट जो है मम्मी पापा की हाइट पर कम करता है। कई बार आप देखते होंगे कि पापा की हाइट कम होती है, मम्मी की हाइट ज्यादा होती है, बच्चे की हाइट भी ज्यादा हो गई। कई बार ये होता है कि मम्मी की हाइट ज्यादा है पापा की हाइट, मम्मी की हाइट कम है पापा की हाइट ज्यादा, तभी बच्चे की हाइट ज्यादा हो गई, ठीक है। कहीं कहीं पे भी देखना मिलता है दोनों की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट ज्यादा होती है, वो एक्सेप्शन केस में होता है, लेकिन साधारण तौर पर बच्चे की हाइट जो होती है वो मम्मी पापा की हाइट पर जाता है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिड पेरेंटल हाइट देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास मिड पेरेंटल हाइट अगर कैलकुलेट करना हो तो किसकी, मदर की हाइट प्लस फादर की हाइट, ठीक है। और ध्यान रखेंगे अगर लड़का है तो प्लस 13/2 सेंटीमीटर, ये किसके लिए, बॉयज के लिए, ठीक है। अगर वो गर्ल है तो यहां पे मदर की हाइट प्लस फादर की हाइट और माइनस 13/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पापा की हाइट, मम्मी की हाइट और अपॉन में कितना, 2। तो याद रखेंगे यहां पे इस छोटी सी कंसेप्ट को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट पर कई बार हमने क्वेश्चन देखा है कि हाँ इसकी हाइट पर
इसकी हाइट जो है वो पापा की हाइट या मम्मा की हाइट जो है वो कम बेस ज्यादा हो जाता है, और वहां पे जो होती है वह हमें कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे कि जो फैमिलियल शॉर्ट सीचर होते हैं, फैमिली शॉर्ट सीचर में वहां पे जो नॉर्मल हाइट है बेबी का, वो जो हमारे पास खास करके हम लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल एज पर हाइट होना चाहिए वो ठीक है, उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होता है, जो एक्सपेक्टेड हाइट होनी चाहिए उससे कम होता है। अब इस चीज को हम समझते हैं कैसे, इसको हम इसको क्लियर करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। चलिए इसको हम अप तरीके से इसको समझाते हैं। एक काम करते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो CDGPD का, सीडी का कहते हैं, CDGP का जो डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं, फिर हम दोनों को एक कंपेयर ग्राफ पे आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको हम पता है कि CDGP में क्या होता है कि हाइट जो होती है, याद रखेंगे CDGP में क्या होता है, हाइट चाइल्ड हाइट जो है वह चाइल्ड हाइट लेस देन एक्सपेक्टेड, लेस देन बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, लेस देन एक्सपेक्टेड हाइट, सॉरी क्या है इसमें, लेस देन एक्सपेक्टेड हाइट ठीक है, बट फाइनल एडल्ट हाइट अटेंड इन नॉर्मल, फाइनल अटेंड हाइट जो होता है वह नॉर्मल हो जाता है। मतलब क्या कि मान लीजिए कि बेबी की हाइट जो है वह कम है, ठीक है, तो वो पूरे समय में धीरे 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 जब वो एडल्ट एज में आएगा तो वो अपना पुराना कंडीशन जो होगा वो गेन कर ले, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल हाइट में चला जाए। ये है CDGD। ध्यान रखेंगे हमारे पास CDGP में, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि CDGP में बेसिक, आपने कहा ना कि हमेशा बेसिक कंसेप्ट की तरह जाओ। CDGP में क्या होता है कि इसमें बेबी की जो हाइट है शुरू में कम होता है, ठीक है, फैमिलियल में शुरू से लास्ट तक कम रहेगा, लेकिन और लेकिन CDGP में क्या है कि शुरू में हाइट कम होगा लेकिन वो एडल्ट फेज में आते आते वह नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। देखिए इसको, अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे तो मान लीजिए कि एक बेबी है, ठीक है, एक बेबी जिसकी हाइट जो मान लीजिए कि अगर वह आपका 4 साल का उम्र का है, ठीक है, 4 से 4.5 साल का उम्र का जब बेबी होता है तो उसी कंडीशन में उसकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। 4 साढ़े 4 साल की जब बेबी होता है तो उसकी हाइट जो होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। तो मान लीजिए हम आपको यहाँ एक छोटा सा ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इसी बगल में प्रेजेंटेशन है इसलिए हम आपको बगल में इस ग्राफ को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि ये 4 साढ़े 4 साल का बेबी है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए, अभी इस ग्राफ के बाद हम आते हैं, एक मिनट रुक जाइए, दूसरे पेज पर आते हैं। यहां देखिए, यहां ये आपको अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए कि मेरे एक बेबी है और ये इसका हाइट की ग्राफ है, ठीक है, इधर की तरफ हम लेते हैं एज को और इधर की तरफ लेते हैं हम हाइट को, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका ये 1 साल का बेबी है, ये 2 साल का है, ये आपका 4 साल का है और ये आपका 6 साल का है, और ये बेबी जो है आपका मान लीजिए इधर 18 साल का बेबी, ठीक है। तो 1 साल 4 साल 6 साल 18 साल आपको दिख नहीं रहा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम ग्राफ यहां से खींच दे रहे हैं अब, ठीक है, ये आपका 2 साल का है, ये 4 साल का है, यह आपका 6 साल का है, इधर की तरफ हम अगर मान लीजिए कि आपका ये आपका 18 साल का बेबी है मान लीजिए, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में जो है, जो चूंकि इस तरह से आपका
मानना भी आप कहेंगे कि सर स्टैटिकल तरीके से तो आप गलत लिख दिए, चलिए स्टैटिकल तरीके से भी हम सही कर देते हैं इसको। थोड़ी सी आदत नहीं है इसको लिखने का, ठीक है 16 20, 16 साल पर ही रखते हैं इसको, 16 18, चलिए यहां 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर हम देखें तो कैसे काम करता है, मान लीजिए कि ये बेबी जो है ये इसका ग्रोथ चार्ट, ठीक, ये आपका 50th percentile है, ये आपका मान लीजिए 19th और 97th percentile है, ये आपका 3rd percentile है, ठीक है, ये आपका 3rd percentile है, ये 50th percentile है। 4 साल का बेबी है और 4 साल के बेबी का जो ग्राफ है ग्रोथ है, मान लीजिए ये यहाँ पे जो है आपका 100 सेंटीमीटर है, ये आपका मान लीजिए इधर 50 सेंटीमीटर है, उधर मान लीजिए आपका 200 है। सपोज करिए 4 साल का बेबी है और इसकी जो ग्रोथ है वह आपका 50, करीब करीब सपोज करिए कि उसकी जो ग्रोथ है वो कितना है, ठीक है। तो चलिए इस तरफ क्या करते हैं कि आप देखेंगे यहां पे क्या है, 50th percentile है, यहां मान लीजिए कि 90th percentile है, ये आपका 3rd percentile। अब जो बेबी है इनिशियल कंडीशन में, अगर मान लीजिए कि 4 साल की उम्र में बेबी का हाइट जो है वह करीब करीब मान लीजिए कि 85 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका बेबी की हाइट हो गई, तो मान लीजिए कि 7 8 सेंटीमीटर ऊपर 8 सेंटीमीटर नीचे, हम लोग रेंज लेके चलते हैं 8 ऊपर और 8 नीचे। तो अगर आप इसका हाई मिलाएंगे, अगर आप ग्राफ खींचेंगे इसका, तो ये करीब करीब ये मिलेगा, यहां पे ऐसा बेबी का ग्राफ हो रहा है, ठीक है। और इसका अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, वह कुछ ऐसा होगा, ये आपका बेबी का है, यहां पे बेबी का है, मतलब इस तरह से ये जो जाएगा वो कहां हो जाएगा, शॉर्ट नीचे होगा, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है वो आपका हो गया फैमिलियल स्ट्रक्चर, मतलब नॉर्मल हाइट से बेबी की हाइट जो है वह कम है, ठीक है। फिर समझिए, सपोज करिए कि 4 साल का बेबी है, 4 साल का बेबी की हाइट जो होगा वो कितना होगा, 80 से 85 सेंटीमीटर। वो हाइट अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जब उसका नीचे ग्राफ दिखाएंगे तो वो करीब करीब यहां नीचे आएगा, 3 साढ़े 3 साल की उम्र में आएगा, है कि नहीं। तो जो एक्सपेक्टेड हाइट होना चाहिए, इसी को आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, बोन एज और क्रोनोलॉजिकल एज, बोन एज और क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब बोन एज के अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट कम है पर क्रोनोलॉजिकल हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे का हाइट ज्यादा है, एक्चुअल एज बच्चे की ज्यादा है पर बोन एज के अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट कम, मतलब जो 3 साल में हो जाना चाहिए वो बच्चा 4 साल का हो गया अभी तक नहीं हुआ, आई बात समझ में। तो शॉर्ट स्टेचर में क्या होता है, शॉर्ट स्टेचर फैमिलियल में क्या होता है, फैमिलियल स्टेचर में बच्चे की हाइट जो होती है वो बच्चा भले 5 साल का होगा लेकिन उसकी एग्जैक्ट उसकी जो बुद्धि जो हाइट होती है वो 3 साल के बच्चे के बराबर होती है, बस ऐसे समझ लें कि जो नॉर्मल बच्चे की हाइट होनी चाहिए, जो 5 साल का अगर 4 साल का बच्चा है उसकी हाइट 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए लेकिन बच्चे की उस समय हाइट जो है वो 80 85 सेंटीमीटर होती है और वो पूरी फैमिली लाइफ टाइम चलता रहता है, क्यों, क्योंकि अब उसकी लाइफ टाइम क्यों चलती रहती है, क्योंकि वो जो है बच्चा उसी से सर्वाइव करेगा, वो 18 साल का भी होगा तो उसकी हाइट नॉर्मल हाइट से कम होगी, पर पेरेंटल हाइट मतलब पेरेंटल हाइट का मतलब मम्मी पापा भी क्या होंगे उसके जो नॉर्मल जो होते हैं वो छोटे होते हैं ऐसे कंडीशन में, या मम्मी पापा के भी उसके जो थे वो फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर में थे, अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में बच्चा जो था वो 4 साढ़े 4 साल में बच्चा जो था इस हाइट में था, लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे एज इसकी बढ़ती है और बच्चा जब 18 साल का होता है तो ऐसे कंडीशन में ये जो होगा वह आकार इसके बराबर हो जाता है, मतलब 18 साल की उम्र आते आते बच्चा जो है वह आपका 50th percentile को गेन कर लेता है। तो कंस्टिट्यूशन में क्या होता है कि बच्चा शुरू में जो होता है वह शॉर्ट स्टेचर होता है लेकिन जब वो 18 साल के एज में आता है जब प्यूबर्टी गेन करता है तो ऐसे कंडीशन में जो होता है वह बच्चा नॉर्मल ग्रोथ के बराबर काम करता है,
आप नीचे ग्राफ देखोगे, ग्राफ में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपको देखोगे नीचे जो ग्राफ दिया गया है, देखिए यहां पे बच्ची जो है धीरे धीरे उसकी हाइट जो है वो बढ़ते बढ़ते यहां पर आप देखेंगे, तो अगर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, इसको बड़ा करें, रुक जाओ, बड़ा कर दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, देखिए इसमें आप देखेंगे तो बेबी की इसमें क्या है कि आप देखोगे तो नीचे क्या है, बेबी की हाइट जो है वो आपका 25 परसेंटाइल पे काम कर रही है, वेट है, क्या है ये, वेट को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, देखिए बच्चा धीरे 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 क्या है घट रहा है घट रहा है, मतलब ये कहाँ पे है 25th परसेंटाइल पर है, मतलब ये शुरू से ही घटते 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 घट रहा है, मतलब ये शुरू से ही इसकी वेट जो है वो कम है, ठीक है। उसी तरह से अगर हाइट की बात करेंगे तो यहां देखिए हाइट भी देखेंगे, यह वेट की बात है, यह हाइट देखिए शुरू से बच्चे की हाइट जो है वह कम है और यहां पे क्या है 25 परसेंटाइल पर है, तो शुरू से बच्चे की हाइट जो है वह कम है, यह है आपका फैमिली स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसी चीज को हम यहां समझें, देखिए मीन हमारे पास यहां पर मिल रहा है, आप देखोगे कि फैमिली स्ट्रक्चर में क्या है कि बच्चा जो है 4 साल का है और ये यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है और यहाँ देखोगे 100 से कम है, मतलब मान लीजिए 80-85 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखो बच्चा जो है जो आपका है बच्चा शुरू में ही क्या है, आप जो यहाँ पर ब्लैक कलर दिख रहा है वह आपका जो है वह क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डेथ है, तो आप यहाँ देखो ब्लू कलर में देखो ये बच्चा जो है धीरे धीरे ग्राफ घट रहा है घट रहा है घट घट, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन से हमेशा जो है वो नीचे रहता है, ठीक है। जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के करीब या उससे कम ही रहे, ठीक। लेकिन आप कंस्ट्रक्शन में देखो बच्चा जो है वह शुरू में जो है कम है, धीरे धीरे क्या हुआ अब देखोगे घटते यहां पे क्या करता है धीरे धीरे क्या कर रहा है वो बढ़ते 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 वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल में और स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और फैमिली स्ट्रक्चर में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा याद रखिएगा फैमिलियल में बच्चा जो है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे तो रहेगा ही और शुरू से लास्ट तक वो हमेशा ही जैसा रहे, ठीक है। और सीरीज क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है वहां पे शुरू में जो है बच्चा छोटा रहता है और धीरे 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 क्या करता है वह जब वो एडल्ट एज में आता है तो वह नॉर्मल ग्रोथ के यानी कि नॉर्मल हाइट को अचीव कर लेता है, ये है इसका बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट, क्योंकि ये ग्राफ जो है एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए हम सीधा ग्राफ को लेकर रख दिया यहां पर, ठीक है। अब हम आते हैं क्या कहते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो हमने पहले चीज कह दिया कि इनकी जो हाइट की स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो गई, दूसरा में क्या होता है ध्यान रखेंगे, एक इस तरफ हम लिख देते हैं फैमिलियल का और इधर लिखते हैं हम लोग सीडी जीपी का, ठीक है, इस तरफ फैमिली सीडी जीपी का। तो दूसरे में क्या होता है कि चाइल्ड जो होती है वो चाइल्ड की प्यूबर्टी जो होती है वो नॉर्मल होती है, तो इसमें जो होती है सेकेंड पोजिशन में चाइल्ड की प्यूबर्टी जो होती है वह आपके नॉर्मल होती है, चाइल्ड की प्यूबर्टी इसमें नॉर्मल होती है, लेकिन इसमें चाइल्ड की प्यूबर्टी क्या होती है डिले करते हैं, कहा ना कि धीरे धीरे वो क्या करता है कि जाकर प्यूबर्टी गेन करते समय वो नॉर्मल होता है पर शुरू में क्या होती है कम होती है, तो याद रखेंगे यहां पे चाइल्ड की प्यूबर्टी जो होती है वह डिले कर जाती है, तो चाइल्ड प्यूबर्टी डिले होती है, ठीक है। यहां पर जो फैमिली स्ट्रक्चर होते हैं इनकी फैमिली हिस्ट्री भी रहती है, उनके मम्मी पापा में कोई ना कोई एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, तो यहां पर फैमिली हिस्ट्री जो होती है वो प्रेजेंट होती है, तो याद रखेंगे फैमिली हिस्ट्री जो होती है वह प्रेजेंट होती है, शॉर्ट स्ट्रक्चर की होती है, किसकी होती है शॉर्ट स्ट्रक्चर की होती है, और इसमें जो होती है वह ध्यान रखेंगे फैमिली हिस्ट्री जो होती है वह डिले होती है, मतलब इसमें किसी न किसी मम्मी या पापा में किसी एक व्यक्ति का या दोनों का जो वो क्या कहता है सीडीजीपी का पेशेंट होते हैं, तो इसमें जो फैमिली हिस्ट्री होती है वह डिले प्यूबर्टी की होती है, इसमें जो फैमिली हिस्ट्री होती है वह डिले प्यूबर्टी की होती है, ठीक है। चलिए यहां पे इसमें जो बोन एज होता है वह आपका क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल होते हैं, इसके बोन एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो होते हैं वह बराबर होते हैं, और इसमें जो होते हैं याद रखेंगे इसमें बोन एज जो होता है वह क्रोनोलॉजिकल एज से कम होता है, क्रोनोलॉजिकल एज से कम होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये बोन एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, ने कहा जैसे आपने पढ़ा होगा पीबी क्या कहते हैं फ्यूजन, ठीक है, कि टीबिया कब फ्यूज जो उसका ऑसिफिकेशन सेंटर होता है कब फ्यूज होते हैं या जो हमारे पास यूनिट होते हैं वो कब फ्यूज करते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग
क्रोनोलॉजिकल एज, जैसे मान लीजिए एक एक चार, इसमें क्या होता है, सॉरी इसे कहते हैं बोन एज, नॉट क्रोनोलॉजिकल एज, इसे बोन एज, जो बेबी का एक्चुअल एज होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। और बेबी का जो बोन के अकॉर्डिंग एज हम डिसाइड करते हैं, हम आपको जो पोस्टमार्टम पढ़ते हैं, जो आप क्या कहते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं, वहां आपको देखने को ज्यादा मिलता है कि कोई बेबी जो है, या उसका कहते हैं मान लीजिए कि कोई डेथ कर गया है, उसको बर्न कर दिया गया, तो उसकी जो हड्डी मिलती है, या कहीं पॉइजन से डेथ किया है, या कोई किस तरह से ऐसे डेथ किया है, सिर्फ बॉडी का हड्डी बोन्स मिलता है हमको, तो बोन्स को हम जो सेंटर होते हैं उस सेंटर से हम पता कर लेते हैं कि बच्चे का एज कितना होगा, ये मेल है कि फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंटर से हम लोग मेजर करते हैं, वो होता है बोन एज। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बेबी है, उसके इंसीजर या केनाइन कब निकला, कब उसके इंसीजर निकला है, या परमानेंट टीथ है कि क्या कहते हैं टेम्पोररी टीथ है, उस बेसिस पे मान लीजिए कि फिंगर जो है वो कब जाकर फ्यूज करता है, जैसे दो महीने पर फ्यूज कर रहा है, 3 महीने पर फ्यूज कर रहा है, तो वो जो होता है उसका बोन एज होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर दो महीने की उम्र में जो है वो अगर बोन फ्यूज कर गया, ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट 2 महीने पर हम लोग कहते हैं कि मार्जिंग हो गया, मान लीजिए कि हमारे पास 2 महीने पर बोन जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं, ठीक, तो वो 2 महीने का जब बेबी हुआ तो उसी समय वो बोन उसका फ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो ये उसका बोन एज हुआ, ठीक। अगर वो 2 महीने पर बेबी है, अगर उस पर उस कंडीशन 2 महीने पर अगर वो फ्यूज कर जा रहा है, ठीक, तो उसे हम लोग कहेंगे बोन एज, और क्रोनोलॉजिकल एज आपस में बराबर हुए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि बेबी जो है वो 4 साल का हो गया, और उसका जो बोन जो फ्यूज कर रहा है वो 3 साल के जो उम्र में, 3 साल की उम्र में जो बोन फ्यूज करना चाहिए वो नॉर्मल 4 साल में फ्यूज कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि क्रोनोलॉजिकली ज्यादा हो गया पर बोन एज कम हो गया। तो बोन एज का मतलब हुआ जो बोन के सेंटर होते हैं, जो फ्यूजन सेंटर होते हैं, ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, वो अगर डिले होना, ठीक है, तो उसे हम लोग बोन एज मतलब समझ लीजिए कि बोन एज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि जो बेबी का या किसी व्यक्ति का जो बोन को बेसिस मान के हम एज डिसाइड करते हैं, और वो उसके से डिसाइड करते हैं उसके ऑसिफिकेशन सेंटर से, कब वो फ्यूज कर रहा है, किस एज में वो बोन आपस में फ्यूज कर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बोन एज होता है, तो याद रखेंगे जो सीडीजेपी का केस होता है उसके जो क्रोनिकल एज होता है मतलब ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि बच्चा जो है वो बड़ा रहता है और उसकी एज होती है वो कम होती है, ठीक है, वो बाद में धीरे 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 क्या करता है, जो प्यूबर्टी आता है तो वो बराबर हो जाता है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों जो होते हैं वह कम, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि बोन एज हम डिसाइड मतलब कि अगर बच्चा है तो उसका बोन एज हम कैसे उसको मेजर करेंगे, उसका क्या हम तरीका होता है बोन एज को मतलब निकालने का, तो याद रखेंगे कि जब भी हम बोन एज कैलकुलेट करते हैं विद हेल्प एक्सरे में हम लोग देख लेते हैं कि उसका सेंटर ऑसिफाई हुआ है कि नहीं हुआ, तो याद रखेंगे कि जो बोन एज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं वह एक्सरे के माध्यम से हम निकालते हैं, और अगर वह नियोनेट है, क्या है, अगर बेबी नियोनेट है, नियोनेट है, तो नियोनेट में ध्यान रखेंगे हम एक्सरे करते हैं किसका, नी का, ठीक है, एक्सरे करते हैं हम नी का, और इन्फेंट है तो इन्फेंट में हम एक्सरे करते हैं शोल्डर का, किसे करते हैं शोल्डर का, ठीक है। अगर वही बच्चा 1 से लेकर 13 साल का हुआ है तो वहां पर हम एक्सरे करते हैं हैंड का, और ध्यान रखेंगे हैंड एंड रिस्ट का, और यहां पे प्रिफरेंस हम ज्यादा देते हैं लेफ्ट हैंड को, किसको प्रिफरेंस देते हैं लेफ्ट हैंड को, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हमारे पास इसका बेसिक फंडामेंटल जो होते हैं वह कंसेप्ट होते हैं। अब जो ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन आता है कि और कौन कौन से ऐसे एज कंडीशन होते हैं जिसमें क्रोनोलॉजिकल एज जो होता है वह बोन एज से ज्यादा होता है, हम तो एक कुछ कसकर देख लिए कि आपका सीडीजीपी में होता है, तो और कौन कौन से ऐसे केस होते हैं कि जिसमें बोन एज जो है वह आपका क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा होता है, और कौन कौन से कंडीशन होते हैं, तो एक तो आपको मिल गया आपका सीडीजीपी, ध्यान रखेंगे ये मेन कॉज होता है शॉर्ट सेचर का, तो ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो याद रखेंगे ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है सीडीजी, ठीक है। कई बार आपके पास मिलता है कि बच्चे की हाइट ही नहीं बढ़ रही है, कई बार आपको बच्चे के मम्मी पापा की हाइट नॉर्मल है लेकिन इसकी हाइट बढ़ी नहीं रही है, तो ये कई बार आपको केस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका दूसरा जो होता है जो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, ठीक है, जो
आपका क्या कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन का जो अगर डीएक्टिविटी हो जाता है उसमें उसकी एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं जो हाइपोथायरायडिज्म की कंडीशन है उस बच्चे में भी जो होता है वह इस कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म, ठीक है, या आपका सीवियर मालन्यूट्रिशन हो, सीवियर मालन्यूट्रिशन हो वहां पर भी ये देखने को मिलता है, या आपका जीएच डेफिशिएंसी हो, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में भी ये कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस टॉपिक को, इसमें कौन कौन से कंडीशन होते हैं, तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि भाई कहीं ना कहीं कोरिलेटेड स्टडी आप करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा इस चीज को समझना। तो हम अभी तक सीखे एक चीज के बारे में, वह है आपका नॉर्मल वेरिएंट। अब इसके बाद हमें दो टॉपिक और सीखना है, वह है इंट्रायूटराइन कॉज, और एक आपको जो इंट्रायूटराइन कॉज है वो हम अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां आपको बता देंगे, और एक है आपका पोस्टनेटल या एक्वायर्ड कॉज, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो उसके बारे में हम इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।